गुड इवनिंग एवरी वन कैसे हैं आप सभी लोग <laughs> एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज़ की लेली आ रही है एक्चुअली hmm. में प्रयागराज में बारिश हो रही है बारिश होने की वजह से पावर कट हो गया है ठीक है इन्वर्टर पे चल रहा है जितनी देर चल जाए बढ़िया है मैंने जैसा आपसे कहा था कि मैं लाइव आऊँगा हाँ वेरी गुड जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज से हम लोग सी नहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बी चालू करेंगे ठीक है तो वही चालू करना है चलिए बहुत दिनों बाद जो है किसी सब्जेक्ट को ऐसे में लेके जा रहा हूँ शायद इसीलिए चेंज हुए हैं कि मुझे आपको दोबारा पढ़ाने का मौका मिले हम दो मिनट आप लोग के कमेंट देख लेते हैं जब तक लोग और भी जुड़ जाते हैं विशाल भाई मैं उत्तराखंड से हूँ माँ कसम बहुत राहुल राहुल पढ़ाते हो तुम अभी तो ईगली वेट कर रहा था मैं नौ बजे का और एक दिन आपसे मिलने आऊँगा आपके साथ ही प्रैक्टिस करूंगा अरे भाई मोस्ट वेलकम जब चाहे तब आप आ जाओ गुरुजी नमस्ते मैंने जस्ट अभी आपकी शॉर्ट वीडियो देखी थी कि आप नौ बजे से लाइव क्लास लोगे मैंने चेक करा कि लाइव थे क्या एक्चुअली मैं इसलिए लाइट हो लेट हो गया हूँ प्रयागराज का कोई रहने वाला हो तो एक बार मेरी बात को कन्फर्म कर देना ठीक है यहाँ पर बारिश हो रही है बारिश होने की वजह से पावर कट हो गया है इन्वर्टर पे पूरा चल रहा है ठीक है जितनी देर चल जाता है ठीक है जित... मैंने सोचा कि आज से चालू करना है बस हुँ। चालू हो जाएगा तो होपफुली चलता रहेगा अरे यार एक्चुअली मैं दोपहर में मैं लाइव गया था सिर्फ इसीलिए ठीक है हम लोग ने पोलिंग कराई थी पोल पे हम लोग ने फाइनल किया था सीआरपीसी आगरा में भी बारिश हो रही है हुँ, 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 मोनिका जी वेरी गुड इवनिंग हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है अच्छा लिए ठीक है आप लोगों ने कंफर्म कर दिया इस बात को हाँ नया सी आर पी सी भी बोल सकते हैं आप वैसे तो बी एन एस एस बोलने की आदत डालिए ये पीछे दिख रहा है आपको दो एक तो टेलीग्राम चैनल ठीक है टेलीग्राम चैनल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा वो इंस्टाग्राम है स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसज का उसमें जुड़ना ना जुड़ना आपके मन की बात है ठीक है लेकिन टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा क्यों क्योंकि जितना भी मैं पढ़ाऊँगा उसकी पी टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा आ, तो जो है उस पर डालूंगा तो फिर उस पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं नोट्स बनाने हैं आपको ठीक है दो तीन चीजें और ध्यान रखिएगा जब मैं पढ़ाना चालू कर दूं, उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन पर ध्यान नहीं दूंगा ठीक अगर आपका कोई भी कमेंट आता है मतलब कोई भी अगर डाउट होता है पढ़ाते समय तो अपनी कॉपी पे साइड में लिख लिया करिएगा लास्ट में दस पंद्रह मिनट आपके डाउट के लिए ही रखूंगा ठीक है सर आप सोचते होंगे हर जगह आ जाती हूँ मैं अरे ये तो आप लोगों का प्यार है हमारे लिए सब मुस्कुराते चेहरे देख कर पढ़ने का मन कर जाता है नवनीत जी आप कैसी हैं मोनिका नवनीत ये तो सब हम रोज ही देखते हैं <laughs> चलिए ठीक है ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ज़रूर इसको जो है टेलीग्राम चैनल पे तो जरूर जुड़ जाइएगा हम्म ठीक है शुरू करते हैं क्योंकि आज पता भी नहीं कि जो है लाइट कितनी देर रहे अगर बीच में कहीं पे वीडियो कट जाए तो समझ जाइएगा मेरी लाइट जो है पावर कट हो चुका है हुँ? ठीक है बंद कैसे होगा भाई ये क्या खुल गया मज़ा आएगा नया वाला सी पढ़ने में देखिए कुछ डाउट जो हैं आपके कि कौन सा पढ़ें अभी क्या ना पढ़ें वो तो भाई ये समझो बिना पुराना पढ़े काम नहीं चलेगा आपका सीधी बात है ठीक है आप ये सोचो बिना पुराना पढ़े काम चल जाएगा नहीं कहीं ना कहीं तो आपको उसका नुकसान हो जाएगा अगर आपने पुराना वाला नहीं पढ़ा है ठीक है पुराना वाला अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होना तय है अभी लिख के ले लीजिए आप पुराना वाला पढ़ना ही पड़ेगा आपको और पुराने में नए में अगर मैं सिर्फ़ ये कहूँ अगर मैं सिर्फ़ ये कहूँ कि दोनों में कितना अंतर है ठीक है पुराने वाले में नए वाले में अगर मैं सिर्फ ये कहूँ दोनों में कितना अंतर है तो सिर्फ इतना अंतर है दस परसेंट से भी ज़्यादा नहीं अगर सेक्शंस ऊपर नीचे ना हों सेक्शंस ऊपर नीचे ना हुए होते तो तो मैं दस परसेंट भी नहीं बोलता शायद दो तीन परसेंट ही बोलता ठीक है वो सेक्शन को मिला के मैं दस परसेंट बोल रहा हूँ अरे सेक्शन ऊपर नीचे हो हो जाने से क्या होगा मटेरियल तो सब सेम ही है है हाँ। हवा हो रही है ठीक हवा इधर उधर रही इसलिए गेट बहुत तेज आवाज करने वाला था ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्या है नया बैरग ले लीजिएगा नई कॉपी लीजिएगा नए जोश से तैयारी करिएगा ठीक बढ़िया से मजा आएगा ठीक मुझे भी एक नए खरीदने पड़े क्या पढ़ने जा रहे हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम संहिता अधिनियम नहीं होगा संहिता दो हजार हम लोग में बोलेंगे, बी एन एस एस दो हजार तेईस क्या बोलेंगे शॉर्ट में बी एन एस एस दो हजार तेईस पुराना वाला जिसने ना पढ़ा हो उसे जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है बिना उसके पढ़े काम नहीं चलेगा मैं फिर से बोल रहा हूँ ये सारी कंफ्यूजन की क्या एग्जाम में ये आएगा वो आएगा भाई कि जिस जब भी आएगा सबके लिए आएगा कोई स्पेशली आपके लिए नहीं होगा ठीक है वो चीज़ सब भूल जाओ जब तक जो सिलेबस में पुराना वाला है वही पढ़ना है ठीक लेकिन नए वाले पे थोड़ा हाथ फेरते रहना है क्योंकि मान लो प्री में नहीं आया मेंस में नहीं आया लेकिन इंटरव्यू में कोई पूछने थोड़े रोक लेगा है कि नहीं इंटरव्यू में क्या है इंटरव्यू एक ही बात पूछ दे दोनों में अंतर क्या है बता दो क्या क्या नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं बता दो तो फिर कैसे फिर कर पाओगे आप ठीक चलिए एक मिनट जरा इसको सेट कर दू ये आवाज करता रहेगा अपन चलिए जैसे हमें पता है तीनों सी आर पी सी है आई पी सी है और एविडेंस ठीक है ये तीनों ही चेंज हो गए हैं ठीक तीनों ही चेंज हो गए हैं इसको बी एन एस एस इसको बी एन एस इसको बी एस एस ठीक है भारतीय साक्ष्य संहिता ठीक बी एस एस ये इनके नाम हो गए हैं ठीक तीनों ही 2023 के हैं वैसे ही जैसा अपना तरीका है पढ़ने का पहले पूरा ओवरव्यू लिया जाएगा ओवरव्यू में क्या है इसको प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी इनको 25 दिसंबर 2023 इसीलिए 2023 का ये माना जा रहा है ठीक है 25 दिसंबर 2023 डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या रहेगी इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट रहेगी एक जुलाई 2024 जून है कि जुलाई है जुलाई है ठीक इसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किस एक्ट को रिप्लेस किया है इसका जो आखिरी सेक्शन है रिपील वाला 531 वो ये बोलता है इसने रिप्लेस किया है सी 1973 को हम्म को सीआरपीसी 1973 नाइनटीन सेवेंटी थ्री की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या थी एक अप्रैल दो हजार दो एक अप्रैल उन्नीस सौ चौहत्तर नाइनटीन सेवेंटी फोर ध्यान रखना जब भी मेरे मुंह से आईपीसी निकल जाए तो उसका मतलब बीएनएस मान लेना जब भी मेरे मुंह से सीआरपीसी निकल जाए अगर मैं नया वाला सीआरपीसी आर तो उसका मतलब बीएनएसएस मान लेना ठीक है ये दो तीन चीजें मान लेना हम्म चलो अब अगर पूछा जाए कभी प्री में पूछ दिया था सीआरपीसी 1973 ने कौन से सीआरपीसी को रिप्लेस किया था तो इसका जो आखिरी सेक्शन था ना चार वो ये बोलता था कि इसने रिप्लेस किया था सीआरपीसी 1898 को ठीक है इसने सीआरपीसी 1898 को रिप्लेस किया था जो इसका सेक्शन पुराने वाले सीआरपीसी का चार बोलता था अब सीआरपीसी नाइनटीन को किसने रिप्लेस कर दिया है इसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ठीक चलिए इसकी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अब स्टार्ट करते हैं बी एन एस एस दो हजार तेईस ओवरव्यू लीजिए इसका कि कितने टोटल सेक्शंस से हैं टोटल सेक्शन है 531 सौ इकतीस कितने चैप्टर्स में बांटा गया है थर्टी नाइन और दो शेड्यूल पहले थे दो शेड्यूल अब भी हैं दो शेड्यूल पहले भी थे दो शेड्यूल अब भी हैं ठीक है अगर पुराने वाले की बात करें पुराने वाले सीआरपीसी में सीआरपीसी 1973 में क्या था सीआरपीसी 1973 में सी सेक्शंस चार सौ चौरासी थे 37 चैप्टर्स थे और दो शेड्यूल थे ठीक दो शेड्यूल थे अब क्या हुआ यहाँ पर थर्टी नाइन हो गए दो कैसे बढ़ गए क्या कुछ नया जोड़ दिया गया नहीं कुछ नया नहीं जोड़ा ठीक एक चैप्टर था इसी में चैप्टर सेवन ए रेसी प्रोकल अरेंजमेंट एक चैप्टर था रेसी प्रोकल अरेंजमेंट वो चैप्टर अब हो गया है चैप्टर आठ नए वाले का वो चैप्टर आठ हो गया है ठीक चैप्टर आठ हो गया है बी एन एस एस का दो हजार तेईस का ठीक एक चैप्टर आपको खूब ध्यान होगा प्ली बार्गेनिंग था चैप्टर इक्कीस ए कमेंट करके बताइए चैप्टर इक्कीस ए कब जोड़ा गया था इसमें प्ली बार्गेनिंग था इसमें प्ली बार्गेनिंग था तो प्ली बार्गेनिंग वाला इक्कीस चैप्टर है अब एक तो यहां से ये आठ पे आ गया तो इक्कीस ए है तो ये कहां पे पहुंचेगा जाके यस चैप्टर तेईस पे तो ये चैप्टर तेईस हो गया इन्हीं दो को सीरियल में लाने के लिए क्या हुआ है ये दो चैप्टर बढ़ गए हैं थर्टी सेवन से थर्टी नाइन हो गए हैं कोई भी नया चैप्टर नहीं जुड़ा है ठीक है कुछ नया नहीं जुड़ा है थोड़ी बहुत चीज चैप्टर एप्टर ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नया जुड़ गया हो ठीक है चैप्टर थर्टीन हो गया है प्ली बार्गेनिंग अब प्ली बार्गेनिंग चैप्टर ट्वेंटी थ्री हो गया है और इसका बी एन एस एस दो हजार तेईस में इसलिए ये दो चैप्टर्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं ठीक है इसीलिए आपको दो चैप्टर ज्यादा दिख रहे हैं शेड्यूल वन वही रहा ठीक है शेड्यूल वन वही है क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस में हमें पता है क्या पता है कि इसको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस को टेबल में बांटा गया है ठीक एक दो तीन चार पाँच छ ठीक अब भी वैसे ही है छः के छः कि क्या है सेक्शन कौन सा है लॉ कौन सा है कॉन्ग्सेबल है कि नॉन कॉन्ग्सडेबल है बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है ट्राइबल बाइक किसके द्वारा है तो यही सब चीज़ें इसमें अब भी वैसा ही है ठीक है क्लासिफिकेशन ऑफेंसिल में कोई चेंज नहीं हुआ है शेड्यूल सेकंड में फॉर्म था शेड्यूल सेकेंड में फॉर्म था, था अब भी फॉर्म ही है बस फॉर्म जो है पहले कितने थे पहले फॉर्म थे फिफ्टी सिक्स पुराने वाले में फिफ्टी सिक्स फॉर्म थे अब नए वाले में फिफ्टी एट फॉर्म हो गए हैं ठीक है नए वाले में फिफ्टी एट फॉर्म हो गए हैं और इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ है ठीक थोड़ा समझ में आया थोड़ा समझ में आया कि क्या क्या बदला है कुछ नहीं बदला है मज़ा आएगा पढ़ने में वैसे ही बिल्कुल पढ़ा जाएगा जैसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ध्यान रखिएगा जब भी मैं कहूं कि पार्लियामेंट से पास होने के मतलब प्रेसिडेंट के असेंट की डेट क्या थी तो ये इसके साथ साथ बी एन एस एस के साथ साथ आई पी सी की भी बी एन एस की भी और एविडेंस की भी बी एस एस की भी दोनों की डेट सेम ही है ठीक है चाहे प्रेसिडेंट के असेंट को ले लो चाहे डेट ऑफ इन्फोर्समेंट को ले लो ठीक है दोनों की सेम है उसकी भी सेम है इसकी भी सेम है चलो और इसके बाद तो सीधे आ जाते हैं हम लोग Section one. सोच रहा हूं, शुरुआत तो किए दे रहा हूँ पहले सीआरपीसी में बहुत मेहनत लग गई थी भाई पढ़ाने में भाई कॉल और मत करें आप लोग कोई कॉल कर रहा है नए नंबर से मैंने कहा सिर्फ व्हाट्सएप किया करें कॉल ना किया करें सेक्शन वन जैसे कि मैं पता है क्या बोलता है कोई भी एक्ट हो ज्यादातर सबका वही शॉर्ट टाइटल नाम क्या होगा इसका एक्सटेंट और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ज्यादातर कोई भी एक्ट देख लो सेक्शन वन उसका यही बोलता है शॉर्ट टाइटल अब इसका भी अगर आप देखोगे इसका भी तो इसका क्या बोलता है सबसे पहला शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमनेंसमेंट ठीक है डेट ऑफ इंफोर्समेंट लिख लो कमनेंसमेंट लिख लो ठीक है कमनेंसमेंट ठीक शॉर्ट टाइटल इसका हमें मालूम है नाम क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस उसके बाद में एक्सटेंट एक्सटेंट इसका भी बिल्कुल सेम है जैसे उसका था ठीक कि केवल जो है पूरा सीआरपीसी जो है पूरा सीआरपीसी स्टेट ऑफ नागालैंड इसको हटा देते हैं अभी एक्सटेंड पे जरा देख लें क्या था जैसे उसका एक्सटेंड था कि चैप्टर पुराने वाले का अगर हम देखें तो पुराने वाले क्या बोलता था चैप्टर आठ दस और ग्यारह को छोड़ के पूरा सीआरपीसी कहां अप्लाई नहीं होगा स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरियाज़

ठीक है पूरा सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता था कहाँ स्टेट ऑफ नागालैंड अदर ट्राइबल एरियाज यही तो है ना हाँ स्टेट ऑफ नागालैंड और अदर ट्राइबल एरियाज अब यहाँ पर नौ इलेवन ट्वेल्व कैसे हो गए क्योंकि हमें पता है सिक्स ए को सेवन बोल दिया गया इसलिए ये नौ ग्यारह और बारह हो गए हम्म नाइन इलेवन और ट्वेल्व देख कहीं माटा साहब गलत अलग पढ़ा हैं केसेस वही रहेंगे ठीक है केसेस तो यार अंग्रेजों के पुराने वाले आज तब पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पर कब के वो छोड़ के चले गए केस आज भी उन्हीं के पढ़ रहे हैं तो ये तो अपने ही केस है ठीक है तो केसेस वही रहेंगे इनकी वैलिडिटी कौन से केस में चेक हुई थी दो केसेस हैं हमारे पास स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस चूंग खूब पूछे गए हैं ये और रतन सिंह स्टेट ऑफ नागालैंड ये दोनों केस इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं जिसे इसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला गया था चलिए कमेंसमेंट कब से चालू होंगे ये ये हमें पता चल गया है तभी तो लोग डर गए कमेंसमेंट पता चल गया कमेंसमेंट आपका एक जुलाई 2024 चलिए सेक्शन वन सेक्शन टू में क्या था डेफिनेशन क्लॉज थी सेक्शन टू में डेफिनेशन था पहले भी डेफिनेशन था अब भी डेफिनेशन है लेकिन कुछ डेफिनेशन जोड़ दी गई हैं अब नहीं ठीक है नई डेफिनेशन जोड़ दी गई हैं कौन कौन सी सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ठीक ए में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या जोड़ दिया गया है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ठीक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स माने क्या होगा पहले टू ए में क्या था पुराना वाला भी तुरंत याद आना चाहिए जल्दी बताइए टू ए में क्या था पहले टू ए में क्या था पहले कौन सा बैरक कोई सा भी बैरक ले लो मेरे पास तो ये जो दिए दिए हुए बेरक्ट होते हैं वो हैं ठीक है, है? हाँ। कुछ लोग मानते हैं कि हम टीचर हैं तो फिर जो है बेरक्ट एरेक्ट दे जाते हैं कुछ पब्लिकेशन अच्छा लगता है रिव्यू करने के लिए बुक्स आती है मेरे पास कि सर रिव्यू कर दीजिए इसको ठीक कभी ये सब चीज दिखा नहीं पाया मैं कि दिखाऊं रिव्यू करने के लिए कोई अच्छी ऑथेंटिक बुक नहीं आई मतलब जिसे देख के बहुत मज़ा आया हो बस रिव्यू करने के लिए बुक आ जाती है फिर वो कहते हैं सर इसको जो है थोड़ा एडवर्टाइज कर दें तो फिर आपको हम देख लेंगे लेकिन भाई एडवर्टाइज कर दूं मैं मेरे नाम पे बच्चे खरीद लें खरीद लें फिर बाद में हमें घरे आएँ कीजिए कैसी बुक आपने रेफ़र कर दी तो ऐसा काम जब जब तक मुझे पसंद नहीं है तब तक बुक रिव्यू नहीं कर सकते हाँ पुराने बैरक से आएगा ठीक चलो कोई बात नहीं अब इस पर आ जाओ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ठीक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक पहले में क्या था वेरी गुड किसने कमेंट करके बोला था किसने मोनिका ने वेरी गुड बेलेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंसेस पहले वेलेबल एंड नॉन वेलेबल दोनों ही इसमें दिए थे ठीक है नॉन वेलेबल पता होने चाहिए ये भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स audio video lecturing means shall include use of shall include use of any communication device for the purpose of shall include use of any communication device for the purpose of किस लिए कोई भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह है कि कोई भी एनी कम्युनिकेशन डिवाइस कोई भी ऐसी डिवाइस जो यूज की जा रही है एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जो यूज की जा रही है किस लिए किस लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कॉन्फ्रेंसिंग Yeah, recording of process of identification. Recording of processes of identification. Yeah, search and seizure. Search and seizure or evidence. ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अभी समझाता हूं एंड एंड फॉर सच अदर पर्पसेस एज द स्टेट सच अदर पर्सेस स्टेट गवर्नमेंट देखो भाई सबसे पहली डेफिनेशन जो भी कुछ नया जोड़ा गया है, है जो भी कुछ नया जोड़ा गया है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है चाहे नया सिलेबस जब भी चेंज होगा सबसे पहले इन्हीं सब चीजों पर अटैक किया जाएगा जो नए आए हैं ठीक ये ह्यूमन बिहेवियर है भाई ह्यूमन बिहेवियर इससे कोई नहीं बचा हर कोई ह्यूमन ही है ठीक सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन पे अटैक किया जाएगा सबसे पहले वही पूछे जाएंगे जो नए जोड़े गए हैं अरे हम लोग अमेंडमेंट से सीखते हैं अमेंडमेंट में कोई चीज नई पूछी गई तो फिर वो दिखेगी एग्जाम में ठीक है ये हमें पता होता है कि कोई नया अमेंडमेंट आया कोई नई चीज़ आई तो वो एग्ज़ाम में दिखेगी ठीक ऐसे ही अगर नए सीआरपीसी में बीएनएसएस में कुछ भी नया जोड़ा गया है तो सबसे पहले उसी पर अटैक किया जाएगा वही आपको सबसे पहले एग्जाम में देखने को मिलेगा ठीक ठीक है चलो अब पढ़ो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब है कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस जो यूज़ हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए या सर्च सीजर और एज ए एविडेंस के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए या कोई भी अदर पर्पस के लिए जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा ठीक है टू ए नये वाले सीआरपीसी का टू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन की बात करता है ठीक टू बी में क्या दिया हुआ है बेल दिया हुआ है पहले बेल भी कहीं पर नहीं मतलब बेल चैप्टर था कौन सा चैप्टर था पहले कौन बताएगा किस चैप्टर में बेल था पुराने वाले में बताओ चैप्टर का नाम अगर पुराना वाला नहीं पढ़ा है तो दिक्कत है दोस्त ठीक तो दिक्कत है पुराना वाले से नहीं बच सकते आप कोई भी बच्चा हो ठीक उसे पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट अभी तीन चार साल तक तो पुराना वाला अपना असर दिखाएगा हम्म क्या होता है बेल मींस रिलीज ऑफ ए पर्सन रिलीज रिलीज ऑफ ए पर्सन क्या है Accused of or suspected of commission of an offence, accused of or suspected of commission of an offence from the custody of law. from the custody of law upon certain condition imposed by court or officer or on executing बॉन्ड और बेल बॉन्ड सच पर्सन अभी बता रहा हूं क्या लिख दिया क्या लिख दिया विशाल भाई आपने इतना बड़ा बड़ा कुछ नहीं है भाई अगर बेल की डेफिनेशन अगर हमसे भी पूछी जाती तो हम यही लिखते ठीक है वेरी गुड कितने होशियार बच्चे हैं सेक्शन हमने चैप्टर पूछा उन्होंने सेक्शन भी बता दिया हम्म hmm? क्या बात है किसने पढ़ाया आपको सीआरपीसी किसने पढ़ाया भाई चलो बेल मींस क्या है बेल का मतलब क्या होता है बेल का मतलब रिलीज ऑफ ए पर्सन ठीक है किसी एक आदमी को छोड़ना जो एक्यूज है या सस्पेक्टेड है कि उसने कोई ऑफेंस किया है ऑफेंस लिखा है ऐसा नहीं कि बेलेबल नॉन बेलेबल नहीं उसने कोई एक ऑफेंस किया है कहाँ से छोड़ना कस्टडी ऑफ लॉ से कि वो लॉ की कस्टडी में था ठीक है क्या लेकिन सर्टेन कंडीशन के साथ जो सर्टेन कंडीशन किसने इम्पोज की हैं या तो कोर्ट ने या किसी ऑफिसर ने हमें पता है कि 436 में कुछ का -का बेल का राइट मतलब बेल दो लोग दे सकते हैं या तो पुलिस ऑफिसर ही दे सकता है ठीक है अगर बेलेबल ऑफेंस होगा पुलिस ऑफिसर दे देगा नॉन वेलेबल होगा कोर्ट देगी तो किसी के द्वारा कोई कंडीशन लगाई गई हो बेल ग्रांट करते समय बॉन्ड जिसको छोड़ा जा रहा है या तो उसने बॉन्ड साइन किया हो या बेल बॉन्ड साइन किया हो ठीक अब अगला ही उन्होंने बता दिया कि भैया बॉन्ड भी सुन लो क्या है और बेल बॉन्ड भी क्या है और बेल बॉन्ड सी में क्या है ए बी सी अरे सी में तो बेलेबल ऑफेंस है सी में बेलेबल ऑफेंस यस बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों इसी में ही है ठीक है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल जैसे उसमें ए में था ऐसे इसमें बिल्कुल वैसे ही डेफिनेशन पुराने वाले में कहा थी ए में सबसे पहले इसी इसी से 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 ही बात हो रही थी. बेलेवल, बेलेवल जब जब पुरानी वाली, उसमें सीधे से कौन से होंगे? जो, जो बेलेबल दिए हुए हैं, वही बेलेबल होंगे और जो नहीं दिए हुए वो नॉन बेलेबल होंगे में केवल आईपीसी के ही दिए हुए हैं ठीक है आई का या बी मान लो अब ठीक है बी के सेक्शन ही दिए हुए हैं अगर बी मतलब आई में बोल रहा हूं नए वाले एक्ट की जब भी बात चल रही हो तो उसका मतलब बी ही मानना ठीक है ठीक चलो तो जितने भी बी में कोई भी सेक्शन है ठीक है सारी पनिशमेंट उसी में दी हुई हैं सब्सटेंटिव लॉ है, है मेन तो वही है भाई कोई भी मैं ऑफेंस करता हूं सबसे पहले आई की धारा ही देखी जाती है कि किस धारा में इन्होंने ऑफेंस किया है ठीक अब शेड्यूल वन में केवल आईपीसी के ही सेक्शन है अदर देन आईपीसी अगर अदर देन आईपीसी अदर देन बीएनएस लिख देता हूं अब ठीक है अदर देन बीएनएस अगर कोई मैं ऑफेंस करता हूं कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो बीएनएस में नहीं दिया हुआ है किसी और एक्ट में वो पनिशेबल है तो उस केस में कैसे चेक करूंगा वो तो शेड्यूल में है ही नहीं वो शेड्यूल में है क्या नहीं शेड्यूल में तो केवल बी के सेक्शन दिए हुए हैं बी एन का मतलब आई थोड़ा फैमिलियर होने में टाइम लगेगा आपको भी मुझे टाइम लग रहा है बोलने में ठीक बी का मतलब आई अगर आई में कोई ऑफेंस है तो वो तो शेड्यूल वन में पता चल जाएगा कि वेलेबल है कि नॉन वेलेबल है अदर केसेस में अदर केसेस में एक रूल दिया हुआ है या तो फिर उस एक्ट में ही जिस एक्ट में वो अदर ऑफेंस पनिशेबल है उसी में दिया होगा कि ये अवेलेबल है कि नॉन अवेलेबल है उसमें नहीं दिया हुआ है तो वो सारे ऑफेंसिस जिसमें पनिशमेंट मोर देन थ्री इयर्स है मोर देन थ्री इयर्स वो सारे ऑफेंसिस जिसमें पनिशमेंट मोर देन थ्री इयर्स है तो उस केस में क्या होगा तो उस केस में वो नॉन वेलेबल माना जाएगा अगर पनिशमेंट तीन साल से ज्यादा है तो वो नॉन वेलेबल माना जाएगा और अगर पनिशमेंट तीन साल से कम है तो वो बेलेबल माना जाएगा बात समझ में आई इतनी बात चलो इसमें इतना कुछ समझने के लिए है भी नहीं तो बेलेबल नॉन बेलेबल हो गया सी डी में क्या है D में बेल बॉन्ड है। पहले डी में क्या था टू डी में क्या है भाई अब बेल बॉन्ड है बेल बॉन्ड बेल की जब डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी इसमें दो टर्म आए थे कि वो कब छोड़ा जाएगा जब वो एग्जीक्यूट करेगा क्या या तो बॉन्ड या बेल बॉन्ड या वो बॉन्ड भरे या बेल बॉन्ड भरे तभी उसे बेल मिलेगी ठीक है तो इन्होंने इस चीज को क्लियर करने के लिए बता भी दिया कि बेल बॉन्ड कहाँ बेल बॉन्ड क्या होगा हम बेल बॉन्ड का मतलब है मींस एंड अंडरटेकिंग कोई भी अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ स्योरिटी जब कोई भी अंडरटेकिंग ली जा रही है आपको छोड़ने की जिसमें साथ में स्योरिटी भी ली जा रही है साथ में स्योरिटी भी ली जा रही है तो उस केस में क्या है तो उसको हम बेल बॉन्ड कहेंगे ठीक है ई e ये बताता है कि बॉन्ड किसे कहेंगे बॉन्ड में कोई भी अंडरटेकिंग ठीक है कोई भी पर्सनल बॉन्ड बॉन्ड का मतलब क्या है कोई पर्सनल बॉन्ड या अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट सियोरिटी ठीक है अगर किसी को विदाउट सियोरिटी sure छोड़ा जा रहा है तो यह बोलेंगे कि उसको बॉन्ड पे छोड़ा गया ठीक है अगर किसी को विदाउट सियोरिटी sure छोड़ा जा रहा है तो उसे बोलेंगे कि बॉन्ड पे छोड़ दिया गया रिलीज विद सियोरिटी सियोरिटी साथ में लेके छोड़ा जा रहा है तो उसे बोलेंगे कि बेल बॉन्ड पे छोड़ा गया ठीक है पहले वेरी गुड पहले टू डी में क्या था पहले टू डी में कंप्लेंट था पहले टू डी में कंप्लेन था जब से सुभाष नंबर दिया है तब से भाई कॉल पे कॉल कॉल पे कॉल ठीक है समझ में आई बात की नहीं लेकिन इन्होंने बस एक गलती कर दी यार यारियोरिटी की डेफिनेशन नहीं दी की और डेफिनेशन दे देते तो कम से कम सुकून हो जाता कि चलो सब कुछ आ गया है? उसके बाद में बॉन्ड की हो गई एफ में चार्ज है चार्ज में कोई अंतर नहीं किया चार्ज पहले जैसे चार्ज था वही चार्ज है ठीक है चार्ज जैसे पहले था वैसे अब भी चार्ज है मैं सच बता रहा हूं छोड़ो मुझसे अभी अगर पूछ दिया जाए कि चार्ज कौन से चैप्टर में है मुझे अभी पहले जैसे पुराना वाला मुझे ध्यान है पहले चार्ज सत्रह में था अभी मुझे नए वाला मैंने खोल के भी सही से नहीं देखा अभी ठीक है जितना ओवरव्यू लिया ले लिया अगर मुझसे पूछ दिया जाए कि अभी चार्ज कौन से चैप्टर में होगा तो अभी मैं बता सकता हूँ कि अठारह में होगा हम्म देखो अब चेक करता हूँ अठारह में है कि नहीं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता अभी कहाँ है देखता हूँ अभी बताता हूँ कहाँ पे है भाई हम्म 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 सही निकले यार अभी आ कर हो जाएगी अब तो चार्ज अठारह ठीक है अब जो नया वाला चार्ज है वो अठारह में है पुराना कितने था सत्रह में था क्यों मैंने बोला अठारह है मैं जानता हूँ केवल सिक्स ए को सेवन किया गया है सिक्स ए को चैप्टर सेवन हो गया वो तो इसलिए एक आगे बढ़ा दो जब इक्कीस ए के बाद जब इक्कीस जब बाइस हो जाएगा उसके बाद सारे चैप्टरों में दो दो बढ़ाओ ठीक है दो दो बढ़ाते रहना ठीक है और पूरी ट्रेक बनाऊंगा एक दिन बैठ के कि सारे सेक्शन को कैसे एडजस्ट करूं हम्म चैप्टर अठारह हाँ तो चैप्टर अठारह ही तो लिखा है श्वेता जी हम्म ठीक है तो ऐसे एक के बाईस के बाद में कोई भी चैप्टर जानना हो ठीक है जैसे बेल चैप्टर तैतीस में था अब पूछे चैप्टर कौन से चैप्टर में होगा बेल बताइए पहले बेल चैप्टर तैतीस में था अब कौन से चैप्टर में होगा बताइए पैतीस में हाँ हा। देख चेक करते हैं आप। <laughs> यस थर्टी फाइव बेल अब पहुंच गया है अपना चलो ऊपर लिख के बेल चैप्टर पैंतीस आसान है <laughs> आ, अरे नहीं दो बढ़ाओ भाई वेरी गुड देखो मजा आएगा ऐसे ही ठीक है तो चार्ज में तो चार्ज मींस एनी हेड ऑफ चार्ज वही डेफिनेशन है चलो एफ के बाद में क्या था एफ के बाद में था जी जी में कॉग्निजेबल था कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस हमें मालूम है कुछ चेंज नहीं हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जो शेड्यूल वन में दिया हो शेड्यूल वन में कॉग्निजेबल दिया हो साथ साथ पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट पावर टू अरेस्ट विदाउट वॉरेंट है यही तो था ना चलो कांगस्टेबल मीन में भाई लाइक कर दिया करो यार चलो इसमें क्या है टू जी बोलता है कॉन्जेबल मीन उफेंस, एन अफेंस फॉर विच एंड कॉन्ग्सबल केस मीन ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर मे इन अ, इन अकॉर्डेंस विद्यूल और अंडर एनी अदर लॉफ टाइमिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वॉरेंट ठीक है तो वो अरेस्ट वेरी गुड ठीक चलो तो कॉन्ग्रीजेबल हो गया पहले सी में था कॉन्ग्रीजेबल और नॉन कॉन्ग्रीजेबल एल में था ठीक है तो नॉन कॉन्ग्रीजेबल ढूंढो नए वाला बैरक ले लेना कल सब लोग ठीक है नॉन कॉन्ग्रीजेबल हो गया है ओ में ठीक है नॉन कॉन्ग्रीजेबल हो गया है ओ में तो साथ साथ जी ओ ठीक है ये तो बहुत अच्छी ट्रिक हो गई गो ठीक है जी ओ गो अब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल

जी के बाद में आपका एच हो गया कंप्लेंट एच हो गया है कंप्लेंट कंप्लेंट वही है जो पहले था पहले टू डी में था डेफिनेशन एकदम सेम है कि कंप्लेंट जो है कोई भी ऐसा चीज कोई भी ऐसी कंप्लेंट कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसको दी जा रही हो मजिस्ट्रेट्स आपको दी जा रही हो चाहे राइटिंग में दी जा रही हो चाहे ओरली दी जा रही हो कि कोई भी आदमी ने वेदर नोन और अनोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस ठीक है जिसपे मजिस्ट्रेट साहब एक्शन लें बस ठीक है चलो कंप्लेंट बिल्कुल वही है डेफिनेशन कुछ नहीं है एच के बाद में आई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आई में एक नया जुड़ा है ये न्यू हो गया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हमें पता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कम्युनिकेशन कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हो पढ़ते हैं मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटिन बर्बल पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड ट्रांसफर्ड बाई मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग ए टेलीफोन मोबाइल फ़ोन अदर वायरलेस कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और एक कंप्यूटर ऑडियो वीडियो प्लेयर और कैमरा और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिकोटिफिकेशन बाई देंट्र गर्मेंट ध्यान रखना एक चीज है अद एनी अदर जो उसमें दी हुई है वो तो सब हाँ है ठीक है भाई फोन मोबाइल फोन अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हो ठीक है वो लेकिन कोई भी अदर कोई डिवाइस है उसको अगर इसमें जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे वो पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की किसकी पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कौन सा ऑडियो वीडियो, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इसको जोड़ने के लिए किसकी कोई भी ऐसी डिवाइस जो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी किसकी पावर थी स्टेट गवर्नमेंट की ठीक है यही देखने के लिए बस रहता है और मेरा काम ही है यहाँ पर यह बताना बनना तो सब आप बेर में ही पढ़ लोगे क्या रह जाएगा ठीक चलो आई के बाद में जे में हाई कोर्ट है हाई कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है कुछ डेफिनेशन हटा दी गई हैं जैसे कि इंडिया ठीक है इंडिया की कोई बताने की जरूरत थोड़ी दी है सही रहा हटा दिया हम कौन कौन सी हटा दी गई हैं मिनट एक मिनट एक जाइए कौन कौन सी हटा दी गई हैं जैसे कि इंडिया की हटा दी गई है मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया सब उड़ा दिया गया ठीक है मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये सब हटा दिए गए पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया कहाँ था टू के में था हटा दिया गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटा दिए गए सेक्शन आठ में मेट्रोपॉलिटन एरिया था हटा दिया गया कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटा दिए गए सेशन जज में असिस्टेंट सेशन जज हटा दिए गए ठीक असिस्टेंट सेशन जज का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया अब केवल सेशन जज एडिशनल सेशन जज ठीक चलो एक तो इसमें पुराने वाले से क्या हटाए गए एक तो इंडिया की डेफिनेशन हटा दी जो टू एफ में थी दूसरा मेट्रोपोलिटन एरिया की हटा दी जो टू के में थी ठीक और प्लीडर की हटा दी जो टू क्यू में थी मेट्रोपोलिटन बस इतना हटा दिया ठीक है डेफिनेशन के में तीन डेफिनेशन हटा दी गई हैं एक तो प्लीडर प्रिस्क्राइब भी है ठीक है क्या क्या हटा दिया हाँ बिल्कुल जो वो तो प्रॉपर करने ही थे ठीक है वही जो कैसा लगता था कहीं पे जुड़े हुए होते थे ना जैसे डब्ल्यू ए ये सब जो जुड़े हुए थे उन सबको हटाने के लिए इतने इसीलिए तो ज्यादा सेक्शन हो गए और क्यों हो गए ठीक चलो तो डेफिनेशन क्लाउस में हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं सब पुराने वाले के हिसाब से ही है ठीक है तो हम इसको टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करते हैं हम्म और आगे बढ़ते हैं टी पे आइए बैरक है आप लोग के पास बैरक नहीं है कल खरीद लीजिएगा ठीक है सेक्शन टू के टी पे आइए टी में पुलिस रिपोर्ट है ठीक है टी में पुलिस रिपोर्ट है पुलिस रिपोर्ट है पुलिस रिपोर्ट पहले क्या थी 173 सेवेंटी टू में जो सबमिट होती थी उसको हम बोलते थे ठीक है पुराना वाला बाद में लिखें पहले क्या थी पहले पुलिस रिपोर्ट वो होती है जो एक के दो में मजिस्ट्रेट साहब को सबमिट हो रही है अब वन हो गई है 193 का टू ठीक है थ्री सॉरी वन नाइन्टी 193 का थ्री ठीक है थ्री हो गया है पहले क्या थी पहले ये थी एक के दो में पहले सबमिट होती थी जो पुलिस रिपोर्ट टू आर में था अब टू टी में हो गया है पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होगी जो 193 के थ्री में सबमिट हो रही है ठीक ये थ्री क्यों हो गया क्योंकि वहाँ पर वन ए था वन ए ये बोलता था कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन है पुराने वाले में ध्यान है एक सौ तिहत्तर के वन के बाद वन ए था इसलिए वन ए को टू कर दिया गया होगा इसलिए ये थ्री हो गया ठीक मुझे तो ये याद रहेगा आप लोग को पता नहीं याद रहेगा कि नहीं वन नाइन्टी थ्री का थ्री क्यों है ये क्योंकि मुझे ध्यान आ गया कि वहाँ पर वन ए था वन ए में ये था कि रेप से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो टू मंथ के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए 2018 में अमेंडमेंट हुआ था उसका ठीक है तो टू मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी अगर बेरक खोल के देखें तो उसको कर दिया गया होगा टू और इसको हो गया ये थ्री हाँ हा, किस में है टी में है और इसके अलावा और पुराने वाले में पुराने वाले से नए वाले में और कहीं पे कोई अंतर नहीं दिख रहा मुझे एक वी देख लो वी में क्या था इसमें पब्लिक प्रोजीक्यूटर दिया हुआ पहले पब्लिक्यूटर वो था जो सेक्शन चौबीस में था अब हो गया अठारह ठीक है पब्लिक प्रोजीक्यूटर वो होगा जो सेक्शन अठारह में सेक्शन अठारह में जो अपॉइंट होगा पहले क्या था पहले सेक्शन चौबीस था ठीक है पहले सेक्शन चौबीस था अब अठारह हो गया ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा एक बार कभी भी मेन आंसर लिखने को मिले अभी हाल फिलहाल एक दो साल में तो एक लाइन पुराना वाला सेक्शन अगर आपको याद है तो एक लाइन में वो लिख दीजिएगा ठीक है कि एक लाइन में लिख दीजिएगा कि पुराने वाले एक्ट में या जो सी आर पी सी नाइनटीन सेवेंटी थ्री थी उसमें इस सेक्शन में दिया हुआ था यही चीज ठीक है उससे फ़र्क पड़ेगा उससे मालूम रहेगा कि तुमने भाई पुराने चावल हो तुम्हारा पहले का भी पड़ा हुआ है नया वाला भी पड़ा हुआ है ठीक है फायदा करेगा एक लाइन डाल दीजिएगा जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना कि पी पी अठारह में था पहले चौबीस में भी था ठीक है पहले चौबीस में था अब वो अठारह में पहुँच गया ये कम कैसे हो गए कम इसलिए हो गए कि मेट्रोपोलिटन एरिया सेक्शन आठ हट गया ठीक जो ए, को, कोर्ट ऑफ सेशन नौ और दस में था अब कोर्ट ऑफ सेशन सिर्फ आठ में ही कर दिया गया एक ही सेक्शन में डाल दिया गया कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सी एम एम कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सेक्शन सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस ये सभी हट गए ये सब हट गए तो फिर इसीलिए ये पीछे आ गया ये सेक्शन अठारह पे पहुंच गया ठीक है ये कम हो गए इसलिए ये अठारह पे पहुंच गया ठीक चलो हम्म 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 उसके बाद में और तो इसमें कुछ भी नहीं है बस विक्टिम का ध्यान रखिएगा विक्टिम अब वाई में आ गया है पहले डब्ल्यू ए में था ठीक विक्टिम में कोई और तो जोड़ा नहीं गया वही लोग हैं लॉस ऑंजरी कॉज बाय रीजन ओमिशन और एनी पर्सन इंक्लूड द गार्जियन और लीगल एयर ठीक है विक्टिम जिसने लॉस सफर किया है वो उसके साथ साथ गार्जियन पूछा जाता है प्री में ये गार्जियन भी होगा और लीगल हेयर्स भी होगा हम्म यस जिसने लॉस या इंजरी सफर की है वो तो होगा हो ही होगा साथ में ये भी होगा वेरी गुड चलिए उसके बाद में तीन में कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस वही है फोर में ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस वही है ठीक है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस ये लिख दिया है भारतीय न्याय संहिता 2023 उसमें कोई भी ऑफेंस है उसके इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल अदर प्रोसीडिंग सब इसके हिसाब से होगी हमें पता है ये प्रोसीजर लॉ है कि इसका मेन तो आईपीसी का ही सब है ना तो अब इन्होंने पांच में, सेविंग है। में पहले भी था। ही है। ठीक? तो चलिए सेक्शन सिक्स में आते हैं ये सही है यार पहले भी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट था अब भी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है बस एक कोर्ट कम कर दी गई है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट वही बिसाइड हाई कोर्ट बिसाइड हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट कोई अदर कोर्ट अगर हुई है स्पेशल लॉ ठीक उनको छोड़ के हाई कोर्ट और अदर कोर्ट को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी लिखी दू कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ ठीक उनको छोड़ के कौन कौन सी कोर्ट होगी सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन दूसरा कोर्ट ऑफ जे एम फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तीसरा जे एम सेकेंड क्लास चौथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई बताएगा वो सेक्शन अट्ठाईस था क्लासेस ऑफ क्रिमिनल को छब्बीस था ठीक है छब्बीस के लाभ आप कौन सा हो गया एक मैं रुकी जरा हम्म हम्म हुँ. हम्म इक्कीस ठीक है अब इक्कीस हो गया है बताइए देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ठीक है क्या क्रिमिनल कि कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में कोई अंतर है कौन बताएगा क्या क्रिमिनल कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में कोई अंतर होता है कौन बताएगा जल्दी बताइए क्या अंतर होता है बताइए भाई ये बताना है अंतर क्या है अंतर भी तो बताना है साथ में क्या बात है मोनिका वेरी गुड ट्रायल कोर्ट में क्रिमिनल कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में ये अंतर है कि क्रिमिनल कोर्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आता है लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट नहीं होता ठीक है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं ये डीएम एसडीएम एस डी ये क्रिमिनल कोर्ट हैं लेकिन ये ट्रायल कोर्ट नहीं है ये ट्रायल नहीं कर सकते चलिए आज यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं कल से हाँ कल भी ठीक है रोज रात नौ बजे मैं आपको यहीं पर मिलूँगा ठीक टाइम निकाल के आप भी आया करिएगा ठीक कोशिश करिएगा लाइव ही देख लें आप अच्छा रहेगा कोई डाउट आउट होंगे तो वो लास्ट में मैं देख लूंगा आपके हम पहले आपको लाइव देखने का मौका नहीं था ठीक अब आ गया नया तो फिर इसको लाइव भी देखते रहिए हम सब पक्का कंप्लीट करोगे ना <laughs> भगवान चाहेंगे तो जरूर होगा हम्म भगवान चाहेंगे जरूर होगा कल तो किसी ने नहीं देखा ठीक है श्वेता जी कोशिश यही रहेगी ठीक है मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो कंप्लीट ही कराता हूँ बस कॉन्ट्रैक्ट का मुझे साथ दिक्कत हो गई कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट चालू किया था और वो मेरी ऐप अब काम नहीं कर रही है वहाँ पे मैं एक फेल हो गया ये तो दुनिया में लगा ही रहता है कोई बात नहीं निधि रिकॉर्डेड लेक्चर है आप देख लीजिएगा ठीक है साथ ही साथ और दोस्तों को भी शेयर करिएगा ठीक है बड़ा इंतजार करा रहे हो आप लोग या फिफ्टी थाउजेंड कंप्लीट कराने में मेरे एक तो बढ़ते हैं कम हो जाते हैं भरते हैं कम हो जाते हैं शेयर कर दीजिएगा ठीक है चलिए ठीक है इजाज़त दीजिए क्योंकि अभी अगर मेरा इन्वर्टर डाउन हो गया तो मुझे रात बरधेरे में ही काटना पड़ेगा ठीक है इजाज़त दीजिए कल से मिलते हैं ठीक है रात नौ बजे नौ बजे मेरे लिए फिक्स कर दीजिएगा अपना ठीक है एक घंटा नौ से दस नौ से दस बढ़िया खाना आना खा के और कॉपी पेन नहीं होनी चाहिए अब कॉपी पेन भी नहीं हो और बेर एक्ट भी नया हो चलिए ठीक गुड नाइट इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी ठीक है इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल अभी सर्च कर लीजिएगा स्टडी फॉर सर्विसेज, ठीक है टेलीग्राम चैनल है इसकी पीडीएफ जितना भी मैं यहां पर लिखूंगा इसका मतलब ये नहीं है पीडीएफ आपको मिल रही है इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं लिखना है आपको भी लिखना है ठीक है आप अपनी राइटिंग से बेस्ट कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ देखना हो ठीक है तो उसके लिए पी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी ठीक है सर न्यू बैरक की पी भी ठीक है न्यू बेरक की पी भी आपको उसी पर ही मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर ठीक है राइटिंग सुधर गई है आपकी अरे कहाँ सुधरी है भाई ठीक <laughs> है चलिए गुड नाइट बड़ा अच्छा लगा बहुत दिन बाद मतलब ऐसे कोई सब्जेक्ट चालू करने में बस भगवान चल जाए टाइम निकलता रहे टाइम तो निकलेगा शेयर करते रहिएगा ठीक है थैंक यू